राजस्थान में विधानसभा चुनाव की बिसात बज चुकी है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। 124 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी तो 76 सीटों पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज चुनावी नगरी में हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। यहाँ सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सांगानेर से कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज पर फिर से भरोसा जताया है तो वहीं भाजपा ने अशोक लाहोटी का पत्ता काटते हुए भजनलाल शर्मा को मैदान में उतारा है। भजनलाल शर्मा को भाजपा के टिकट मिलने के साथ ही अब सांगानेर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेसी नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज 2018 में सांगानेर से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उनको अशोक लाहोटी से 35,405 मतों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। 2018 विधानसभा चुनाव में पुष्पेंद्र भारद्वाज को 72,542 मत मिले तो वहीं अशोक लाहोटी ने 1,07,947 मत हासिल करके बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज पर भरोसा जताया है और उन्हें फिर से टिकट दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पुष्पेंद्र भारद्वाज पार्टी के भरोसे पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। वहीं अब बात करें बीजेपी नेता भजनलाल शर्मा की तो वे प्रदेश के महामंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने इस बार उन्हें मौका देकर जयपुर की सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। 2018 में सांगानेर में बीजेपी प्रत्याशी अशोक लाहोटी थे। अशोक लाहोटी लोकप्रिय नेता की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आलाकमान की नाराजगी का सामना अशोक लाहोटी को करना पड़ा, जिसकी वजह पूरा प्रदेश जानता है। अब बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में मानसरोवर, प्रतापनगर, सांगानेर, गोपालपुरा का कुछ हिस्सा, रिद्धि सिद्धि, बगरू का कुछ हिस्सा, B2 बाईपास, भांकरोटा, सांगानेर कस्बा, दुर्गापुरा, ये सभी क्षेत्र सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। सांगानेर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3,80,000 के आसपास है। आपको बता दें कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यह ब्राह्मण वोटर्स की संख्या करीब 75,000 से ज्यादा है तो वहीं सिंधी वैश्य प्रभावी भी इस सीट पर नजर आता है, जिनकी संख्या करीब 40,000 है। वैश्य मतदाताओं की संख्या करीब 30,000, अनुसूचित जाति वोटर्स की संख्या करीब 20,000, गुजर वोटर्स करीब 20,000, जाट वोटर्स करीब 20,000, कुमावत वोटर्स करीब 18,000, सैनी वोटर्स करीब 15,000, राजपूत वोटर्स की संख्या करीब 15,000, मीणा वोटर्स करीब 15,000 और छीपा वोटर्स की संख्या करीब 10,000 है। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति पर प्रत्याशी निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे में दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पर दाव खेल दिया है, लेकिन भजनलाल शर्मा के सामने बाहरी होने के तमगे के साथ ही अन्य जातियों को साधने की चुनौती भी रहेगी। तो वहीं पुष्पेंद्र भारद्वाज का स्थानीय नेता होने का फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज के जीत का प्रतिशत ज्यादा नजर आ रहा है। द नगरी न्यूज में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जहां दोनों पार्टियों के लिए जीत हासिल करना उनके सम्मान की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। नमस्कार।